अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूं कि आप सब खैरियत से हैं। मैं आपके सब्जेक्ट साइंस की टीचर मिस मरियम खालिद। आज का हमारा रिवीजन लेक्चर नंबर 1 है, जो कि हमारे यूनिट नंबर 3 से रिलेटेड है। मैं उम्मीद करती हूं कि आपको हमारे जितने भी लेक्चर्स डिलीवर किए जा रहे हैं वो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। इंशाल्लाह मैं आज भी अपनी पूरी कोशिश करूंगी कि मैं आपको रिवीजन लेक्चर अच्छे तरीके से डिलीवर कर सकूं, ताकि आप लोगों को आपके पेपर की तैयारी करने में वो आसानी कर सके। तो अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। यूनिट नंबर 1, लिविंग थिंग्स। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। द फर्स्ट क्वेश्चन इज योर्स, व्हाट डू लिविंग थिंग्स नीड टू लिव। व्हाट डू लिविंग थिंग्स नीड टू लिव, कौन सी चीजों की जरूरत होती है लिविंग थिंग्स को जिंदा रहने के लिए। द आंसर इज लिविंग थिंग्स नीड एयर, फूड एंड वाटर टू लिव। लिविंग थिंग्स नीड एयर, फूड एंड वाटर टू लिव। व्हाट डू लिविंग थिंग्स नीड टू लिव, लिविंग थिंग्स नीड एयर, फूड एंड वाटर टू लिव। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ इज ऑक्सीजन यूज बाय बॉडी। हाउ इज ऑक्सीजन यूज बाय बॉडी, किस तरह से ऑक्सीजन जिस्म के अंदर इस्तेमाल की जाती है। द आंसर इज, ऑक्सीजन इज यूज टू मेक एनर्जी इन द बॉडी। ऑक्सीजन इज यूज टू मेक एनर्जी इन द बॉडी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वट हेल्प्स टू कैरी फूड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू एन अदर। द आंसर इज, ब्लड हेल्प्स टू कैरी फूड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू एन अदर। द क्वेश्चन इज, वट हेल्प टू कैरी फूड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू एन अदर। ब्लड हेल्प टू कैरी फूड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू एन अदर। नाउ मूव ऑन द यूनिट नंबर 3, टाइप्स ऑफ लिविंग थिंग्स एनिमल्स। द क्वेश्चन इज, वेयर डू प्लांट्स ग्रो। प्लांट्स ग्रो इन डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लेसेस। प्लांट्स ग्रो इन डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लेसेस। द क्वेश्चन इज, वेयर डू प्लांट्स ग्रो। प्लांट्स ग्रो इन डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लेसेस। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डू प्लांट्स नीड टू मेक देयर फूड। व्हाट डू प्लांट्स नीड टू मेक देयर फूड। प्लांट्स नीड एयर, वाटर एंड सनलाइट टू मेक देयर फूड। किन चीजों की जरूरत होती है पौधों को अपनी खुराक बनाने के लिए। पौधों को जरूरत होती है हवा, पानी और सूरज की रोशनी की अपनी खुराक को बनाने के लिए। द लास्ट क्वेश्चन इज, हाउ डू प्लांट्स विदाउट सीड मेक न्यू प्लांट्स। हाउ डू प्लांट्स विदाउट सीड मेक न्यू प्लांट्स। प्लांट्स विदाउट सीड्स मेक न्यू प्लांट्स थ्रू स्पोर्स। स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का फर्स्ट रिवीजन लेक्चर। मैं उम्मीद करती हूं कि आप लोगों को आज का लेक्चर अच्छे समझ में आया होगा और आप इंशाल्लाह इसको साथ साथ याद भी जरूर करेंगे। आप आज के इस पूरे सिलेबस को अच्छे से रिव्यू करें। आपको आज के लेक्चर से जो भी मुश्किल पेश आई है या कोई बात समझ में नहीं आई, आप कुछ पूछना चाहते हैं वो आप जरूर पूछें, हम आपको आपका आंसर करेंगे। स्टूडेंट्स, आपके ऑनलाइन पेपर 5 सितंबर से स्टार्ट किए जा रहे हैं, जो कि आपके 25 एमसीक्यूज की शक्ल में होंगे और टोटल मार्क्स आपके 50 किए जाएंगे। आप लोगों ने पेपर से रिलेटेड जो भी सवाल पूछना है आप वो जरूर पूछें, या ऑफिस स्कूल के ऑफिस से इसके बारे में मालूमात हासिल करें। आप लोग रिवीजन लेक्चर्स को अच्छे तरीके से सुने, इनको साथ साथ याद भी करें और पेपर्स की अच्छे तैयारी करें और अच्छे तरीके के साथ पेपर्स को सॉल्व करें। आप सब अपना बहुत सारा ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।